हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय पब्लिक स्पीकिंग। हाँ, आज पब्लिक स्पीकिंग बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। कई सारे जो मनोवैज्ञानिक स्टडी की हम बात करें, साइकोलॉजिस्ट से रिलेटेड कई सारी स्टडीज, कई सारे केस स्टडी, आज काफी समय से स्टडीज चलती आ रही हैं। और ये जो टॉपिक है आपका कि पब्लिक स्पीकिंग, कैमरे के सामने बोलना, ये बड़ा ही चैलेंजिंग जॉब बन चुका है आज हमारे सामने। और ऐसा नहीं है, आज हम संदीप माहेश्वरी को देखते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन स्पीकर है। लेकिन जब आप उनकी स्टोरी सुनेंगे, जब उन्होंने बताया कि जब मैं पहली बार एज अ गेस्ट के तौर पर मैं एज अ एक स्पीकर के लिए गया, स्पीकिंग के लिए गया, तो वहां पर पब्लिक के सामने वो कुछ नहीं बोल पाए। तो कई सारी स्टडीज के बाद में जब हम बात करते हैं कि कैसे इन्फ्लुएंस करें, कैसे एक प्रभावी हम एक स्पीकिंग कर पाए पब्लिक के बीच में, तो कई सारी स्टडीज को लेके डेल कार्नेगी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने काफी स्टडीज की है, और उन्हीं की एक बुक के मैं ऐसे 4 पॉइंट्स आपके सामने डिस्क्राइब करूंगा, जिसके कारण मैं और आप हम एक बहुत प्रभावी स्पीकिंग कर सकते हैं। आप सभी को पता है जब हम स्टेज में बोलने के लिए जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है, या पब्लिक के सामने, कैमरे के सामने जब हम आते हैं तो हमारे सामने समस्याएं क्या आती हैं। जैसे मैं अपनी खुद की बात करूं तो जब भी हम बोलने के लिए आते हैं या मैं आता हूं तो हार्ट बीट तेज हो जाती है, और भी कई तरीके के जो है सिम्टम्स, जिसको हम बोलते हैं नर्वसनेस वाले सिम्टम्स, हमारी बॉडी में आने लगते हैं। यस सुनो, और मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है जब आप एज अ पब्लिक स्पीकिंग या कैमरे के सामने आते हैं तो आपके साथ क्या होता है और आप उन्हें इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं। तो हम इन्हीं 4 पहलुओं पर बात करेंगे कि ऐसे कौन से 4 पॉइंट हैं, ऐसे कौन से वो 4 बिंदु हैं जिनके ऊपर यदि हम काम करें तो मेरा ऐसा मानना है कि वाकई में हम एक बहुत सफल स्पीकर होंगे। तो पहला पॉइंट जो स्पीकिंग के लिए जरूरी है कि जब आप शुरुआत करने जा रहे हैं, जब आप एक बिगिनिंग करने जा रहे हैं स्पीकिंग की, तो एक मजबूत और एक लगन से शुरुआत करें। हाँ, क्यों? लेकिन एक मजबूत शुरुआत और वो लगन कैसे आएगी? आपको मैं बता दूं, स्टडीज कहती हैं कि कोई भी आपका कैरियर हो, चाहे पहचान बनानी हो, तो पब्लिक स्पीकिंग एक सबसे प्रायोरिटी और सबसे पहली स्टेज में आती है कि बाय स्पीकिंग आप बहुत से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और आज चाहे हम यूट्यूब के माध्यम से बोलें, चाहे पब्लिक में बोलें, तो हमारा मकसद केवल बोलना नहीं है, हमें अपनी बात को रखना है, लोगों के दिलों तक पहुंचाना है। और हमें एक जो है बोलना ही एक ऐसी चीज है जो लोगों को छू जाता है। मानते हैं कि नहीं आप इस बात को? इसलिए पब्लिक स्पीकिंग, और हम यदि सोच रहे हैं कि एज अ पब्लिक स्पीकर बनने के लिए, यूट्यूब स्पीकर बनने के लिए, चाहे वो स्टूडेंट की बात करें, एक बिजनेसमैन की बात करें, जब हम इन बुक्स को पढ़ते हैं या जब मैंने इन बुक्स को पढ़ा, स्पेशली डेल कार्नेगी की बुक्स को, तो उनमें निकल के आया कि बहुत ही फेमस डॉक्टर थे, बहुत ही अच्छा अनुभव था उनको डॉक्टरी का। एक बार एक स्पोर्ट्स के फंक्शन में उनको बुलाया गया, तब बैठ के बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी, गप्पें चल रही थी, तो अचानक डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर कर्टिस करके उनका नाम था, कि आए और आप जो है हमारे खिलाड़ियों को कुछ हेल्थ के बारे में बताएं। तो डॉक्टर कर्टिस तो एकदम से स्तब्ध हो गए कि अब क्या करूं मैं, और वो बड़े शर्मिंदा होते हुए खड़े हुए और वहां से बाहर चले गए। उसका मतलब ये कि वो बहुत एक्सपर्ट थे लेकिन बोलने का अभ्यास नहीं किया कभी। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पहलू होते हैं, कुछ ऐसे चीजें होती हैं जो हमको जरूरी होती हैं करना। तो पहला पॉइंट जो बोलने के लिए जरूरी था यही कि एक मजबूत और लगन से शुरुआत करें। ये कैसे आएगी? आप सोचें, यदि आप बहुत अच्छे तरीके से, आप पूरे प्रभावी तरीके से बोलेंगे तो ये आपके कैरियर के लिए भी, आपका जो एक फ्रेंड सर्कल बनेगा उसके लिए भी, चाहे आप उसके बेनिफिट्स के बारे में, उसके फायदे के बारे में सोचिए कि आपको इससे कितना इंप्रूवमेंट होगा, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ हो, चाहे वो आपका सोशल ग्रोथ हो, मतलब हर तरीके की ग्रोथ होती है जब आप पब्लिक के बीच में बोलते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं।
तो आपको एकदम शुरुआत करनी एकदम मजबूत और लगन के साथ, जैसे एक बुलडॉग एक बिल्ली के पीछे दौड़ता है एकदम पूरी ताकत लगा देता है, वैसे ही हमें अपनी स्पीकिंग में पूरी ताकत लगा देना है, पूरा जुनून लगा देना है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट जो डेल कार्नेगी कहते हैं वो ये कि जब भी आप किसी विषय पर बोलने के लिए जाएं तो उसकी बहुत अच्छे से तैयारी करें और उस विषय के बारे में जानें। वो ऐसा क्यों बोलते हैं? जब आप किसी विषय के बारे में जानते हैं तो वो कहते हैं आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं, और जब आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं तो आप बहुत अच्छे से बोल पाते हैं। और जब हम आप खुद भी देखें, मैं खुद भी अपनी बात बताऊं, जब मैं या आप बहुत अच्छा बोल लेते हैं तो उसके बाद हमें कैसा महसूस होता है? हम एक अलग ही उस फीलिंग में होते हैं। और हम और आप सभी जो स्पीकर एज अ वक्ता के तौर पे जो सामने उभर के आ रहे हैं, तो हमारा पर्पस, फिर मैं बोलूंगा, केवल बोलना नहीं, कहीं ना कहीं काफी लोग हम लोगों से सीख रहे हैं, हम भी काफी लोगों से सीख रहे हैं। मैं काफी करीब 10 सालों से स्पीकिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ, लेकिन आज भी एक डिफरेंट स्टेज में जब हम जाते हैं या आप जाते हैं तो एक अजीबोगरीब सा एक डर होता है। लेकिन यदि हम उस डर और सतही होता है वो डर, यदि उससे डर से रुक जाए तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। यदि हमें आगे बढ़ना है तो हमें दौड़ना पड़ेगा। तो तैयारी करें, जब आप विषय के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं तो आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपकी तरक्की के। तीसरा जो बिंदु है या तीसरा जो पहलू है जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो है ये है कि आप साहस भरा दिखें, मतलब ऐसा अभ्यास करें कि आप में साहस है। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप लोग बताइएगा, दो रनर हैं, दो धावक हैं जो दौड़ने से पहले कुछ बोल रहे हैं। एक धावक बोलता है हे भगवान इस बार मुझे जिता देना, हे भगवान इस बार मुझे जिता देना, और दूसरा धावक बोलता है दिस रेस इज फॉर मी एंड आई एम गोइंग टू बी द विनर ऑफ दिस रेस, आई विल बी द विनर ऑफ दिस रेस। आप बताएं कौन जीतेगा, ये या ये व्यक्ति जीतेगा? रेस शुरू भी नहीं हुई और आपने निर्णय ले लिया कि ये व्यक्ति जीतेगा। हाँ, साहस एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी को एक्सटर्नल तरीके से तो मजबूत करती है और इंटरनली भी मजबूत कर देती है। तो साहस भरा दिखना ये तीसरा बिंदु। चौथा और आखिरी बिंदु वो है अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास, जिसको कि हम बोलते हैं प्रैक्टिस। किसी भी चीज को जब हम रिपीट 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 करते जाते हैं, प्रैक्टिस करते जाते हैं, तो वो उसमें एक्सपर्टीज बनने की एक कहानी होती है। कोई भी एक्सपर्ट एक्सपर्ट तभी बनता है जब वो किसी भी चीज को रिपीट करता है। तो इन चारों बिंदुओं को आप बहुत अच्छे से चिंतन करें, मनन करें। पहला बिंदु कि हमें एक मजबूत और एक लगन से शुरुआत करनी है। दूसरा, हम जब भी किसी विषय पर बोलने जा रहे हैं तो हमें उस विषय के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और हम तैयारी करें। तीसरा, आत्मविश्वास से हमें भरा हुआ दिखना है। और चौथा, हमें अभ्यास करना है। मैं एक स्टोरी सुनाता हूं आपको। एक बहुत ही फेमस वायलिनिस्ट थे, वो वायलिन जो है बजाया करते थे। तो एक बार वो अपनी बात रखते हैं पब्लिक प्लेस में कि आप इतना अच्छा वायलिन कैसे बजा लेते हैं और आप इतने अच्छे एक्सपर्ट वायलिनिस्ट कैसे हैं। तो उन्होंने कहा, एक बात कही और उससे उन्होंने पूरी बात कह दी और आपको भी मुझे लगता है ये समझ में आ जाएगा। उन्होंने ये कहा कि यदि मैं 1 month तक वायलिन बजाने की प्रैक्टिस ना करूं तो जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता चल जाता है कि मैंने कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में कमी की है। फिर उन्होंने कहा यदि मैं 15 दिन तक वायलिन बजाने की प्रैक्टिस ना करूं तो जो मेरी वाइफ है उनको पता चल जाएगा कि मैंने कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में कमी की है। और यदि मैं 1 week 5 दिन 6 दिन प्रैक्टिस ना करूं तो जो मेरे बच्चे हैं उनको पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं मैंने कमी की है। और मैं 1 दिन प्रैक्टिस ना करूं तो मुझे खुद पता चल जाता है कि मैंने कहीं ना कहीं कमी की है। तो प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज है, अभ्यास ही एक ऐसी चीज है जो हमें एक एक्सपर्ट बनाने के लिए काम करती है। और अंत में मैं यही कहूंगा कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी बात भी रखें। मैं भी स्पीकिंग के फील्ड में काम कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं एक बहुत ही बेहतरीन स्पीकर हूं,
और कोशिश कर रहा हूँ मैं भी कि स्पीकिंग को अपनी इम्प्रूव करें, और यही एक ऐसे पॉइंट्स है। और मैं बताना चाहूँगा कि ये बुक आप जरूर पढ़ें यदि आप अपनी स्पीकिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं। ये डेल कार्नेगी की बुक है, हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय पब्लिक स्पीकिंग। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।